नेक्स्ट है हमारी स्टील कपलिंग, ठीक है। तो अल्किनील ट्राई अल्किल, देखो अल्किनील ट्राई अल्किल या अल्किनील ट्राई अल्किल स्टैनेट, ये SN है इसलिए अल्किनील ट्राई अल्किल स्टैनेट है, या तो यहाँ सिंपल अल्किनील हमारा ट्राई अल्किल भी हो सकता है, उसकी रिएक्शंस है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे रिएक्शंस किसके प्रेजेंस पे होगी, देखो या तो विनिल या एरिल ट्रिफ्लेट होगा उसके प्रेजेंस में होगी, और क्या लगे और उसके साथ क्या रहेगा, अल्किनील ट्राई अल्किल या अल्किनील ट्राई अल्किल स्टैनेट रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ PD PPH34 और LiCl इन प्रेजेंस ऑफ THF। अगर ट्रिफ्लेट यूज हो रहा है रिएक्शन में, मतलब देखो ये TF जो है ट्रिफ्लेट, अगर रिएक्शन में ट्रिफ्लेट है तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, LiCl के। सिंपली यहाँ क्या होगा, हमारा ये और ये ग्रुप निकल जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा चाहिए ये वाला, ये हमारा ये और ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टील कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे। तो जो स्टील कपलिंग रिएक्शंस है, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड के भी प्रेजेंस में हो सकती है। अगर एसिड क्लोराइड यहाँ कैसे यूज होगा, हमारा सबस्ट्रेट जहाँ पे किसके साथ रिएक्ट होगा, विनिल और एरिल स्टैनेट, विनिल और एरिल स्टैनेट के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये भी किसके प्रेजेंस में होगी, PDCl2 PPH32 टेट्रा है, यहाँ भी क्या होगा, ये और हमारा ये निकल जाएगा, और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो ये जो रिएक्शंस है इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे कि हो कैसे रहा है। तो देखो पहले क्या होगा, जैसे और एक रिएक्शन हम ये भी देख सकते हैं, ये क्या है, कार्बोनिलेशन रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट, यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है THF, CO के प्रेजेंट में भी ये हो सकता है। अब क्या होगा, CO कैसे एक्ट करता है, हमने देखा था CO इज नथिंग बट, ये कैसे एक्ट करेगा, यहाँ लिगैंड, तो ये क्या करेगा, इसको पहले रिप्लेस करके इसकी प्लेस ले लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये कंपाउंड में रहेगा तो ये और ये दोनों मिलके यहाँ से निकल जाएंगे और हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं ये होगा कैसे। तो देखो पहले क्या होगा, हमारा ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या होगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, PDL2। PDL2 मतलब पहले यहाँ ये जो है हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा जो है मतलब लिगैंड है, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या है, ये तो L मतलब लिगैंड और ये PDL2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोग उसी की रिएक्शन देख रहे हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा, सिंपली वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, इंसर्शन मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ इंसर्ट हो जाएगा PDLLI, ठीक है। अब ये किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, CO के प्रेजेंस में हो रही है, CO के प्रेजेंस में होने के वजह से फिर से यहाँ क्या होगा, लिगैंड एक्सचेंज होंगे, लिगैंड एक्सचेंज होंगे मींस ये यहाँ जाएगा और ये बाहर निकलेगा, तो ये LL, ठीक है। अब इंसर्शन में हमने देखा था कि ये जब भी CO लगता है तो क्या होगा, ये यहाँ शिफ्टिंग होगी, जिसके वजह से ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और ये चार्ज यहाँ, मतलब सी कार्बन मोनोऑक्साइड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, अब ये क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि लिगैंड है PPH34 है, तो देखो फिर से यहाँ PDLLL। अब ये कौन सा एसिल कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारा जो दूसरा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट करने के वजह से क्या होगा, सिंपली ये यहाँ इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। देखो PDLL है, आए और ये BU3SN निकल जाएगा COET CH2। अब क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये कंपाउंड अनस्टेबल है, अगर आप इसका काउंट करोगे तो ये अनस्टेबल है, 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और ये यहाँ से निकल के हमें हमारा क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी स्टील कपलिंग रिएक्शन।